हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री, मास पर मास बाय परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। मास बाय परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसका आपको जो है मास कैलकुलेट करना होगा। परसेंटेज कंपोजिशन किसी सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है या कितना परसेंट सॉल्वेंट आपने सॉल्यूशन में लिया हुआ है, उसको परसेंटेज में आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, वो चीज़ें आप जो है इस टॉपिक में जानेंगे। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि मास बाय मास परसेंटेज, या इसको हम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, कहीं ऐसा भी लिखा हो तो आप ये कन्फ्यूज नहीं होंगे कि जो है ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है। ये भी मास बाई मास को ही डिफाइन करता है। तो इसमें मैंने डिफिनीशन में आपको बताया था कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात हो गई, लेकिन मास बाय मास परसेंटेज में मैंने आपको ये बताया था कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100, ध्यान सुनिएगा, हमने कहा था कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने यही बोला था कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन इन ग्राम ऑफ 100 ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो ये बात मैंने आपको वहाँ बताया था। अब जो है यहाँ ये बताया जाएगा आपको कि मास, देखिए परसेंटेज ऑफ मास मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता था, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक तो आपका पहला सॉल्यूट और दूसरा आपका जो था वो क्या था, सॉल्वेंट। तो ये जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट आपने जाना। अब जो है यहाँ पे आपको एक टर्म और बताया जा रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास आर वेट। देखिए ये जो है इन केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ या तो आप मास के अकॉर्डिंग लेंगे या जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको आप वेट ज़्यादा करेंगे, और जब लिक्विड में होगा तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे यही बात आपसे बताया जा रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास आर वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज क्या, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वेट बाई वेट के अकॉर्डिंग। जैसे मास बाई मास बोल रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को हम आपको एक सीधे क्वेश्चन से, डिफिनीशन वगैरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अब यहाँ डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है कि यह सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है भाई, NaCl। तो ये कहा जा रहा है कि यह सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दिस सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशंस में कितना जो है आपका सोडियम क्लोराइड कंटेन किया हुआ है, कि उसका मास क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आपको वो लिखना है। पहले आपको यही, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप ये अगर बता दिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन आउट है, यहाँ तक आप अगर पहुँच गए तो सॉल्यूशन आप बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम गिवन है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व, कितना दिया है भाई, कितना डिजॉल्व है, 15 ग्राम। तो ये हमने लिख दिया 15 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है आपने, 200। तो ये आपने लिख दिया 200। अब आपको पता है कि वाटर यहाँ पे लाइक एज अ सॉल्वेंट और यहाँ पे ये आपका लाइक एज अ सॉल्यूट। ठीक, तो आपका सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो जानते ही हैं आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, तो जो आपका सॉल्वेंट है वो कितना है, 200 ग्राम है, और जो सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं आप वो कितना है, 15 ग्राम है। तो जब टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन जब इन दोनों को आप एक में जोड़ देंगे तभी ना बनेगा, तो 215 ग्राम आपका जो है टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए मास परसेंटेज इसका निकालना है, तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखा है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला यही मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यही है, तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड और मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये देखिए मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना दिया हुआ था, 15 ग्राम, और ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपने जो है अभी कैलकुलेट किया था, 215 ग्राम।
तो 15/215 100 जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 6.98%। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो गया 6.98 ग्राम। अतः इसको आप लिखेंगे सो द मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन इज 6.98 ग्राम। अतः आपको ये बताया गया कि आपने ये कैलकुलेट किया कि सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो कितना परसेंट है 6.98% जो है सोडियम क्लोराइड की कैपेबिलिटी उसमें डिजॉल्व है किसमें आपके सॉल्यूशन में। अब इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखा है इसको आप सेल्फ करोगे तो ये क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस सॉल्यूशन। तो इसको आप करेंगे अच्छे से या आप हमें लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।